मिथुन चक्रवर्ती दादासाहेब फाल्के अवार्ड के लिए नामजद। जी हां नाजरीन, अदाकार से सियासतदान बनने वाले मिथुन चक्रवर्ती को दादासाहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। मरकजी वजीर अश्विनी विश्वनू ने आज एक्स पर एक पोस्ट में ये इत्तला दी है। वजीर ने कहा कि ये अवार्ड 8 अक्टूबर को 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड की तकरीब के दौरान मिथुन चक्रवर्ती को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिथुन का शानदार सिनेमा सफर नस्लों को मुतासिर करता है। वजीर मौसूफ ने एक्स पर लिखा कि मिथुन दादा का शानदार फिल्मी सफर नस्लों को मुतासिर करता है। ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि दादा साहब फाल्के सिलेक्शन जूरी ने लेजेंडरी अदाकार एसएच मिथुन चक्रवर्ती जी को हिंदुस्तानी सिनेमा में उनकी शानदार शराकत के लिए 8 अक्टूबर 2024 को 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तकरीब में पेश किया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत मरनल सीन की हिदायतकारी मरेकिया 1976 से की थी। उन्होंने अपनी अदाकारी पर बेहतरीन अदाकार का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता। वो 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में टाइटल्स किरदार अदा करने के बाद बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 1990 की फिल्म अग्निपथ के लिए भी उनकी तारीफ हुई। वो रियलिटी शोज में बतौर जज भी नजर आते हैं। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें शमा न्यूज के साथ।